अब खबर है भद्रावती तहसील से, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर 75 फुट ऊंचे तिरंगे का विधायक प्रतिभा धानोरकर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। तो आइए जानते हैं इस मौके पर और कहां कहां ध्वजारोहण किया गया इस खबर में। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी यह भद्रावती शहर में काफी उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शहर में अनेक स्थानों पर माननीय हाथों ध्वजारोहण किया गया। सुबह 8 बजे शहर के सेवादल मैदान पर 75 फुट ऊंचाई का राष्ट्रध्वज विधायक प्रतिभाताई धानोरकर के हाथों किया गया। इस मौके पर भद्रावती नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी तथा शहर के नागरिक उपस्थित थे। साथ ही मुख्य अधिकारी विशाखा शेड़की के हाथों नगर पालिका में ध्वजारोहण किया गया। भद्रावती तहसील कार्यालय प्रांगण में वर्तमान में प्रोफेशनल पीरियड पर रहे उपविभागीय अधिकारी रंजीत यादव हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर तहसील कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी तथा परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भद्रावती पुलिस स्टेशन के प्रांगण में थानेदार विपिन इंगड़े के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। इसके अलावा शहर के गांधी चौक, हुतात्मा स्मारक, वन परिषद कार्यालय, शहर के स्कूल तथा महाविद्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर नागरिकों को प्रजासत्ताक दिन की शुभकामना भी दी गई और गणराज्य दिन के अवसर पर शहर में अलग अलग जगहों पर विविध प्रकार के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रोफेशनल पीरियड पर रहने वाले उप विभागीय अधिकारी रंजीत यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्व नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि हा प्रजासत्ताक दिन चिरायू अशीच एक माझी इच्छा व्यक्त करतो। मी रंजित मोहन यादव, भारतीय प्रशासकीय सेवा 2022 बॅच। आत्ता मी सध्या भद्रावती उपविभागीय अधिकारी म्हणून जॉईन झालो आहे आणि इथे पुढील सहा आठवड्यासाठी मी इथे प्रभारी म्हणून नियुक्त झालो आहे। सी टी व्ही के लिए जाशेकी रिपोर्ट।